नमस्कार प्रकाशक के पटल पर बैठक की ये रौनक आज फिर आपके साथ साझा करने के लिए हम हाजिर हैं। और बैठक की इस रौनक को आज दुगना करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय अलका सिन्हा जी, जिनकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे नमस्कार। साथ नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं पूनम अहमद जी, जो कि बैठक की एक, जिसको कहते हैं ना, फाउंडर मेंबर। तो पूनम जी हैं हमारे साथ। और हमारे साथ आज एक बहुत सुंदर आवाज के मालिक और उतने ही प्रतिभा संपन्न, कहानियां पढ़ने में माहिर पीयूष अग्रवाल जी हैं। पीयूष अग्रवाल जी के नाम से वाकिफ होंगे ज्यादातर लोग, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आवाज की दुनिया में बड़ा जाना पहचाना नाम है। और इसके साथ ही साथ एक खास बात यह है कि कहानियों से इनका बहुत लगाव है और थिएटर से बहुत लगाव है। बाकी की सब बातें मैं ही अगर बता दूंगी तो फिर पीयूष जी क्या बताएंगे, इसलिए अब मैं चुप हो जाती हूँ। और सबसे पहले पीयूष जी से ये निवेदन करूंगी, हालांकि हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन चूंकि हम तीन लेडीज हैं तो इस समय एक पुरुष को मौका देना बिल्कुल बिल्कुल कतई बनता है। आप लोग क्या कहते हैं? तो बिल्कुल, बहुत 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 सबसे धन्यवाद पहले राजू जी, जी। जी बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत आपने है मुझे आपका। पहले मौका भी दिया, इतने प्यार भरा, इतना प्यार भरा स्वागत भी किया, और अलका जी आपका भी कि आपने इस कहानी को पढ़ने का, इसे आवाज देने का ये मौका दिया मुझे। आज के बैठक में जुड़ने का जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आशा है हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं और सुनने वालों को भी उतना ही आनंद आएगा जितना हमें इसे तैयार करने में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब पूनम अहमद जी से मैं कहूंगी कि अगर वो कुछ पढ़ना कहना चाहती हूँ जी पढ़ने से पहले। जी आप सभी उपस्थित सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सबका बैठक में एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी को मैं जितनी बार पढ़ती गई उतनी बार एक अलग दुनिया को जान रही थी। कहानी की बहुत सी बातें दिल को छुई हैं। जब कहानी को बुनने में लेखिका को 3 साल लगे हों, कहानी का अंत सोचने में इतना समय लगा हो, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी कैसी होगी। मैं इस बात से एक बार फिर ये सीख पाई हूँ कि कहानियाँ ऐसे भी बुनी जाती हैं, कहानियाँ ऐसी लिखी जानी चाहिए। दृष्टिबाधित पात्रों पर मैंने कम ही कहानियाँ पढ़ी हैं, लिखी तो एक भी नहीं। अब सोच रही हूँ कि इस विषय पर इतना कम क्यों लिखा गया, क्यों कम पढ़ा गया। आज इस कहानी से जुड़ना मेरे लिए खुशी की बात है। और एक बात, आवाज के दो महारथियों के बीच में एक सूत्रधार के रूप में कहानी के साथ न्याय कर सकूं, पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। अब आदरणीय अलका जी से निवेदन करूंगी कि वो कुछ कहें। पहले तो मैं अपने सभी, हमारे आज बैठक में जो लोग शामिल हैं, हमारे श्रोता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ मैं प्रकाशक टीम का। राजू जी आप हैं, पूनम जी हैं और पीयूष जी, आप तीनों ने मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब 5 तत्वों का शरीर बनता है तो वो शरीर तो 5 तत्वों से बनता है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये दुर्गा पूजा के दिन चल रहे हैं, मूर्ति बनाई जाती है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो आप लोगों ने एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा करने वाला काम किया है, क्योंकि हर लेखक के मन में ये आस होती है, जब वो लिखता है तो उसके जहन में एक तस्वीर उभरती है, वो उसे शब्द देता है, वो उसे स्वर देता है, और धीरे धीरे करके वो एक ऐसा दृश्य रचता है, एक संसार, एक दुनिया रचता है। कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम चाहते तो हैं करना, लेकिन चाहे अपनी कमियों की वजह से, चाहे सामाजिक सीमाओं की वजह से, सीमितताओं की वजह से, विरूपताओं की वजह से, विद्रूपताओं की वजह से हम नहीं कर पाते। कहानी हमें वो जमीन दे देती है, हमारा जो फिक्शन है वो हमें वो जमीन दे देता है जिसमें हम अपनी तरह की फसल उगा सकते हैं। तो ये जो संवेदनाओं की फसल उगती है कहानी के माध्यम से, मैंने इसको बहुत ही, ये मेरे बड़े दिल के करीब है कहानी। और राजू जी आप जैसा जानती हैं, जब हमारी बातचीत हो रही थी और आपने जिक्र किया था कि
कि इस तरह से कुछ हम चाहते हैं दिव्यांगों पर, तो मैंने एकदम से कहा था कि मेरे पास इस तरह की एक कहानी है, और ये कहानी इसको लिखने में जैसा अभी पूनम जी ने कहा 3 साल लगे मुझे, और 3 साल मुझे कहानी को नहीं, कहानी के अंत को देने में, क्योंकि मैं चाहती थी कि कहानी सिर्फ मनोरंजन बनकर नहीं रहे, एक मैसेज छोड़ करके जाए। आज जबकि हम ये दिन, आज के दिन हम मना रहे हैं, दूसरा बृहस्पतिवार होता है अक्टूबर का, जिसमें हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों के ऊपर ये वाला दिन रखते हैं और उसके प्रति अपने दायित्व को लेकर के सजग होते हैं। तो जब हम उस समय जब ये कहानी यहाँ आती है, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो जागरूकता मैं चाहती हूँ वो शायद इसके जरिए जाएगी। और आप सबके सब अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, पीयूष जी के बारे में भी आपने बताया, पूनम जी को हम पहले सुन चुके हैं, और राजुल जी आपकी प्रतिभा से तो हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं, तो ये इतनी सुंदर टीम मुझे मिली है, तो मुझे यही लग रहा है, और साथ में दर्शक जुड़ गए, तो हम सब मिलकर के 5 तत्वों से ये जो बन गया है ये पूरा हो गया है समय तो मैं आज यही सोच करके इसे छोड़ती हूँ कि हमारे आज के बैठक में जो सभी साथ में बैठे हैं जरूर इस कहानी का न केवल आनंद लेंगे, बल्कि इसके पीछे जो एक दायित्व भाव है उसको भी लेकर के सजग होंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अधीर हूँ मैं इसे सुनने के लिए, आप लोग कैसे पढ़ते हैं इसे बस हम शुरू कर रहे हैं, और आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, हालांकि उनका अभी 6 बजे से एक और दूसरा प्रोग्राम है जिसमें उनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं, और जितने भी हमारे साथ सभी जुड़े श्रोताओं को, देखने वालों को बहुत बहुत उनका स्वागत और उन्हें नमस्कार। जो कमेंट्स आ रहे हैं वो हम कहानी पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी जिसका नाम है जन्मदिन मुबारक, अलका सिन्हा जी की लिखी हुई। और अलका सिन्हा जी ने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, बाकी की चीजें कहानी के साथ अपने आप खुलती जाएंगी, तो अब कहानी की शुरुआत। बगल के कमरे से उठती हुई दबी दबी हंसी की आवाज उसके कमरे से टकरा रही है। ये हंसी है या चूड़ियों की खनक, पता नहीं, शायद दोनों ही आवाजें हैं। इन आवाजों के सिवा है भी क्या उसकी दुनिया में? एक अंधेरा उसके चारों ओर गहराने लगा है। अंधेरा जितना गहरा होता जाता है आवाज उतनी तेज होने लगती है। चिर परिचित अंधेरा, अदृश्य आवाजें, वो करवट बदलता है। बगल के पलंग से माँ की चूड़ियां खनकती हैं, शायद माँ ने भी करवट बदली है। कितना साफ फर्क है माँ की और भव्या की चूड़ियों की खनक में, अंधेरे में भी फर्क छुप नहीं पाता। चूड़ियों की छुन छुन की आवाज ट्रेन की छुक छुक की आवाज में बदलने लगती है, और वो जा पहुंचता है उस मोड़ पर जहां अपनी जिंदगी के अंधेरों से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। रेल के एसी डिब्बे में कुछ ठंड सी लगने लगी थी, उसके छोटे भाई ने पूछा था, विवेक कहां तक पहुंचे हम? अब पहुंचने ही वाले हैं गोरी के गांव। मेरा मतलब है स्टेशन लगने ही वाला है भैया। विवेक की आवाज में उल्लास था, उस चूहल भी एक ही आवाज में इतने शेड, वो हर शेड को आसानी से पहचान लेता है। इतनी सुगंधता से शायद ही कोई और जानता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ बैठी थी। दरअसल वो अपने लिए लड़की देखने जा रहा था। विवेक की हड़बड़ी में छुपे कौतूहल को वो खूब समझ रहा था। हालांकि लड़की देखने जैसी कोई बात नहीं थी, रिश्ता तो तय ही था। लड़की पड़ी लड़की भ्रांत खानदान से थी। लड़की के पिता ने उसे मिठाई दिलाया था, ज्ञान के लिए उपयुक्त है और वो हर कदम पर ज्ञान का सहयोग कर सके, इतना काफी था। ये माँ का ही आग्रह था कि विवाह से पूर्व दोनों एक दूसरे को देख लें, थोड़ा जान समझ लें। टीहू 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 कोई पंछी सुबह होने का ऐलान कर दूर उड़ गया है, यानी कुछ देर में दिन पूरा खुल जाएगा। चिड़ियों के कोरस में पेड़ों के पत्ते सुर मिलाएंगे, वातावरण में संगीत गूंजने लगेगा। सुरों का कोमल स्पर्श उसे भला लगता है, राग भैरवी
भोर के प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग उसके भीतर मलहम का एहसास भरता है। मन काफी कुछ संयत हो चुका है, वो आकर बिस्तर पर लेट जाता है ताकि माँ जगे तो सभी कुछ सामान्य सा लगे। फिर चूड़ियां खनकी हैं, भव्या मेज पर चाय रख गई है। वो उठकर मेज के पास पहुंचता है और कुर्सी खिसकाकर बैठ जाता है। रात की बारिश से मौसम कुछ ठंडा हो चला है, चाय की पहली चुस्की ही ऊर्जा का संचार करती है। वो मेज पर हाथ घुमाता है, मेज खाली है। अरे यहाँ मेरी किताबें रखी थी। आश्चर्य, आज तक उसका कभी कोई सामान इधर से उधर नहीं हुआ। वो पूरा हाथ घुमाता है, हाथ का सामना किसी से नहीं होता, मेज पूरी तरह खाली है। माँ आवाज लगाती है, भव्या बेटा तूने ज्ञान की किताबें कहाँ रख दी हैं? मैंने समेट कर शेल्फ पर रख दी है माँ, अभी निकाल देती हूँ। भैया कौन सी किताब थी? कोई नहीं। उसकी आवाज सपाट है या फिर स्वर के आरोह को रोककर जबरन सपाट कर दिया गया है। माँ मेरी किताबें जैसी थी वैसे ही रहने दी जाए। भव्या बुझे मन से किताबें लाकर वही मेज पर रख देती है। ज्ञान किताबों को फिर फैलाकर रख देता है। माँ पूछती है, क्यों ज्ञान, तुझे समेटी हुई किताबें अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं। वो जानता है इस बिखराव में ही उसकी पहचान है। उसे मालूम है उसने कहाँ क्या रखा है। वो किसी पर आश्रित तो नहीं है। चाय का स्वाद कसैला हो आया है। वो चाय का कप पीछे सरका देता है, मगर तब तक ये कसैलापन उसके भीतर उतर जाता है। उसने साफ साफ सुना था, भव्या की माँ ने कहा था, अपनी खूबसूरत परी से बेटी को मैं उस आदमी को कैसे सौंप दूं जो भव्या को इतना तक नहीं बता सकता कि आज वो लाल रंग पहने या नीला। अब उल्टे हर बात के लिए बस भव्या पर ही आश्रित रहेगा वो। ओहो, अपनी सोच बदलो भव्या की माँ, का हर तरह से समर्थ है, उसका इस तरह बहिष्कार मत करो, उसे अपनी दुनिया में शामिल करो। और मैंने भव्या को ऐसी तालीम दी है कि वो ज्ञान का सहयोग कर सकेगी। मगर भव्या की माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। रहने दीजिए आप, आपके सिद्धांतों की खातिर मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकती। ज्ञान ने सुना था और भीतर तक दरक गया था। वो अक्षम है, आश्रित है। भव्या का उससे ब्याह भव्या की कुर्बानी है? नहीं, ये कुर्बानी उसे मंजूर नहीं। उसने विवेक को आवाज दी, सुन भव्या कैसी दिखती है? बहुत सुंदर, नाजुक, छुई मुई सी, रुई के फाहू सी, एकदम परी जैसी। विवेक के उत्साह ने भव्या का जो खाका खींचा उससे वो इतना तो समझ ही गया था कि खूबसूरती का रंग बेहद नर्म और नाजुक होता है। वो सोफे पर बैठा अपनी हथेलियां छू रहा था। कितनी खुरदुरी है, नहीं ये कतई सुंदर नहीं। फिर उसका हाथ अपने ही शरीर पर रेंगने लगा, पीठ पर, बाह में बालों का खुरदुरापन, नहीं वो जरा भी सुंदर नहीं। हाँ वो जिस सोफे पर बैठा था उसका रंग खूबसूरत था, रूई के फाहे सा नर्म और कोमल, बिल्कुल भव्या की तरह। घर लौटने तक उसने निर्णय ले लिया था। भव्या बहुत सुंदर है, मैं उसे विवेक के लिए पसंद कर आया हूं। क्या? अरे उसे तो आपके लिए देखा था भैया। बेटा ज्ञान सुन तो, मेरे ख्याल से पहले बड़े बेटे की शादी होनी चाहिए। मैं घर का बड़ा हूं और ये मेरा फैसला है। आखिर शादी हो गई और भव्या बड़े के बदले छोटे भाई की पत्नी के रूप में उस घर का अभिन्न अंग बन गई। सभी खुश थे, भव्या की माँ, भव्या खुद और विवेक भी। संतुष्ट तो ज्ञान भी था, मगर अनजाने ही एक कसर उसके भीतर जगह बनाती जा रही थी। एक अजनबी एहसास उस अपनी जड़ें गहराता जा रहा था कि उसके भीतर की दुनिया रंगों से अनजान है और रंगों का ये अभाव उसके जीवन का खालीपन बनता जा रहा था। उस दिन सुबह से ही पूरा परिवार दिवाली की साफ सफाई में लगा था। आखिर विवेक के विवाह के बाद का पहला त्योहार था। रंगाई पुताई कराने की बात हो रही थी। पुताई तो पहले भी कई बार हुई थी,
मगर इस बार रंगाई होनी थी। भव्या हर कमरे के लिए कलात्मकता के साथ रंग बता रही थी। सुनिए ना, ये जो कमरे के सामने की दीवार है ना, इस पर अगर कत्थई रंग किया जाएगा तो ये दीवारें चौड़ी दिखाई देंगी, और ये डाइनिंग टेबल के सामने वाली दीवार पर अगर लेमन येलो रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। खिड़की के बाहर की हरियाली का कंट्रास्ट उभर कर आ जाएगा। ज्ञान की जिंदगी का कंट्रास्ट पूरी तरह उभर चुका था। अब तक रंगों की इस दुनिया से मैं क्यों अनजान था? मैं पूछना चाहता हूं, मगर किससे पूछूं, कैसे पूछूं? सभी उससे बेखबर थे। उसने दीवारों को छू छू कर देखा, बार बार, कई बार। दीवारें कुछ चिकनी हो आई थी, हथेली फिसलकर नीचे आ खिसकती थी। ऐसा लगभग हर दीवार के साथ था। फिर कौन सी दीवार कत्थई और कौन सी लेमन येलो? स्पर्श से परे ये कैसी अभिव्यक्ति थी जिसकी भाषा के अर्थ वो खोज नहीं पा रहा था? दिवाली की रात, भव्य सजावट, आतिशबाजियों की धूम, मगर वो कहाँ था? अचानक ऐसा क्या आ घटा था कि उसका अब तक का जोड़ा अर्जा सब एक बड़े शून्य में तब्दील हो गया था। पूरे घर में एक हंसी खनकती रहती, वो हंसी जो उसने स्वयं अपने भाई को समर्पित कर दी थी। आज वही हंसी उसे जहर भरे बाण की तरह चुभती। वो क्या उसने ऐसा करके गलत किया था? कोलकाता जाते समय माँ ने उसे एहसास दिलाया था कि वो बहुत अहम काम पर जा रहा है। देखो बेटा ज्ञान, एक बात सुनो, तुम कोई सामान देखने नहीं जा रहे हो, इस घर की बहू देखने जा रहे हो। वो लड़की आएगी तो इस परिवार के संस्कारों को अगली पीढ़ी में ले जाएगी। तो देखो, इसी लिहाज से परखने की कोशिश करना कि हमारे वंश की आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, वो उसी के संस्कारों के हिसाब से फले फूलेंगी। माँ की हिदायतों ने उसे जिम्मेदारी के भाव से भर दिया था। उसने माँ के हर शब्द पर भव्य और उसके परिवार को खरा पाया। उसके घर के संस्कार, उसके पिता के सिद्धांत, ज्ञान के परिवार और परंपराओं से मेल खाते थे। भव्य की माँ की व्यवहारिकता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये सच है कि भव्य की माँ के शब्दों से वो आहत हुआ था। क्या सिर्फ इसलिए उसे भव्य की उपस्थिति को नकार देना चाहिए? आखिर उसने भव्य को पत्नी ना सही मगर परिवार की कुल वधू के रूप में स्वीकार किया, इस घर की धुरी के रूप में स्थापित किया। ऐसा करके उसने गलत क्या किया? वो खुद अपने लिए अजनबी हो चला था। भव्य की आवाज बाहर बालकनी से आ रही थी। ये आकाश की तरफ तो देखो ना, कैसा लाल हो गया है। विवेक ने कहा, पहले भी सूरज ढलता था, उगता था, फूल खिलते थे, पर उनमें ये रंग ना थे। तुम चित्रकार हो भव्या, तुमने ही इनमें रंग भरे हैं। टुकड़ों टुकड़ों में कोई किताब ज्ञान के सामने खुलती जा रही थी। कई सारे छेद एक साथ गड़मड़ हो गए थे। वो उस लुई ब्रेल की तलाश में था जो छूने और सुनने से आगे का अध्याय उसे बता पाता। भव्या बीमार थी शायद, शायद इसलिए कि माँ की चिंता में भी अजब सा उत्साह था। वो विवेक को बराबर हिदायतें देती रहती, बड़ी खुशी से उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती, शौक से खिलाती। ज्ञान मनी मन सोचता, कैसे इसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। अब तक माँ की सारी चिंता के हकदार वो दोनों भाई ही रहे थे, मगर अब उसकी किसी को परवाह नहीं थी। विवेक भी माँ की तरह हर समय भव्या भव्या ही पुकारता रहता। आश्चर्य तो इस बात का था कि एक भव्या ही थी जिसे उसका ख्याल रहता। वो उसका कमरा साफ कर देती, पढ़ने की किताबें करीने से लगा देती, मगर उसे भव्या की ये दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त न होती और वो खुश होने के बजाय असहज हो जाता। भव्या को निर्दोष मानते हुए भी वो उसके साथ अपेक्षित व्यवहार नहीं कर पाता। फिर एक दिन भव्या की आवाज और पीछे पीछे विवेक और माँ का स्वर सुनाई दिया। जन्मदिन मुबारक हो भैया। जन्मदिन? मेरा जन्मदिन? पहले तो कभी किसी ने नहीं बताया। हैप्पी बर्थडे भैया। अरे ये भव्या है ना, खुशी मनाने का कोई मौका ढूंढकर निकाल ही लेती है। तो
मेरा जन्मदिन खुशी की बात है? एक एक अंधेरी बेरंग दुनिया में आने की खुशी, अपंग आश्रित होकर जीने की खुशी। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता या पूछता, भव्य ने नर्म नाजुक सा एक तोहफा उसके हाथों में थमा दिया। नर्म यानी खूबसूरत, उसके खुरदुरे हाथ यानी बदसूरत, ये कैसा मेल है। उसे जैसे बिजली का झटका लगता है, वो धीरे से उसे पलंग पर छोड़ देता है। माँ ने लाड़ से कहा, ज्ञान एक बार छूकर तो देख लेना, बड़े सुंदर रंगों के फूल गाड़ी है भव्या ने। माँ अपना सारा लाड़ प्यार भव्या के नाम कर चुकी है और वो बेदखल हो गया है इस अकूत विरासत से। उधर माँ थी कि उससे भव्या की कलाकारी पर उसकी प्रतिक्रिया सुनने को उत्सुक थी। मन पर संयम रखते हुए उसने धीरे से उन फूलों को टटोला और वो सचमुच ही झटका खा गया। रंग बिरंगे फूलों की जिस दुनिया से उसने खुद को निष्कासित जाना था, वो तो उसकी अपनी दुनिया थी। माँ ने अभी तो कहा है कि कितने सुंदर रंगों के फूल काढ़े हैं भव्या ने, तो क्या उसकी जिंदगी खूबसूरत रंगीन फूलों से सजी है। भव्या के कड़े फूल जो उसे अनजान लग रहे थे, छूने पर उसे पता चला कि वो तो उसकी अपनी दुनिया थे। विवल होकर ज्ञान ने पूरे तकिए पर हाथ घुमाया। जन्मदिन मुबारक डॉट्स के लिपि में उस पर लिखा था। जन्मदिन मुबारक, ये कैसे संभव है। उसने दोबारा हाथ घुमाया। भव्या चहक रही थी। भैया ठीक लिखा है ना। तुम ब्रेल कैसे जानती हो। मैंने स्कूल में सीखी थी। मगर क्यों। बस जिस तरह बाकी बच्चे दूसरी भाषा के रूप में फ्रेंच सीख रहे थे, कोई जापानी सीख रहा था, तो मैंने ब्रेल को चुन लिया। भव्या इतरा रही थी, गोया वो कह रही हो। ब्रेल तुम्हारी जागीर है क्या। ज्ञान परास्त हो गया। आज पहली बार वो महसूस कर रहा है कि वो आंखें जिनसे वो कभी कुछ देख नहीं सका, शर्म से झुक गई हैं। भव्या भी औरों की तरह जर्मन, फ्रेंच या जापानी जैसी कोई दूसरी व्यावसायिक भाषा सीख सकती थी। ब्रेल सीखना तो उसके लिए कोई मजबूरी नहीं थी। उसका अंतर्मन उसे झकझोर रहा था कि क्यों उसने अपने और भव्या के बीच एक ऐसी विभाजक रेखा खींच दी कि वो पारिवारिक संबंधों की सहज आत्मीयता का सुख भी नहीं उठा पाया। क्या इसलिए कि उसके खातिर माँ और भाई अब तक उसके अंधेरेपन के साथ चलते रहे। आज वो अनुभव कर रहा है कि उसकी आंखों में कोई गीला रंग उतर आया है। आज वो साफ देख पा रहा है कि भव्या उसकी किताबों की रैक के सामने खड़ी पूछ रही है, कौन सी किताब लाऊं भैया। उसे साफ सुनाई दे रहा है भव्या के पिता का स्वर, मैंने भव्या को ऐसी तालीम दी है कि वो ज्ञान का सहयोग कर सकेगी। वो परास्त हो गया है भव्या की तालीम के आगे, भव्या के पिता के सिद्धांतों के आगे। आश्चर्य कि वो अपनी हार से अभिभूत है, वो इस हार का जश्न मनाना चाहता है। भव्या को स्नेह भरा आदेश देता है, बहू जरा मेरे बुकशेल्फ से मेरी नॉटन की किताब लाना। तो उसने अपनी दुनिया में उसे आमंत्रित किया और स्वयं शाही ठाट के साथ उस बूटीदार तकिए पर सिर टिकाकर उसके लौट आने की प्रतीक्षा करने लगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस बैठक को यहीं पर विराम दे रहे हैं और फिर हम मिलेंगे किसी अच्छी कहानी के साथ। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।